हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V29 प्रो 5G फ़ोन है, तो वीवो V29 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में इनकमिंग कॉल शो प्रॉब्लम है, तो इनकमिंग कॉल शो प्रॉब्लम्स को आप कैसे आप ठीक कर सकते हैं और इनकमिंग कॉल के नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो V29 प्रो 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं वीवो V29 प्रो 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ठीक कर सकते हैं इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें और कैसे ठीक कर सकते हैं इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को, तो सिंपली देख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आएगा ऐप सेटिंग्स, तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको फ़ोन आइकन्स दिख रहा है, तो फ़ोन आइकन्स पे जाना है। फ़ोन आइकन्स पे जाकर स्टोरेज एंड कैच पे जाकर डाटा है क्लियर कर देना है। जो भी फ़ोन का डाटा आप क्लियर कर सकते हैं और क्लियर करके अपनी आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। और आप नोटिफिकेशन परमिशंस को भी यहाँ से अलाउ कर सकते हैं और फ़ोन परमिशंस को भी यहाँ से अलाउ करके इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार